रिलेशनशिप्स जो हैं, यानि हमारे रिश्ते, फैमिली के हों, हमारे दफ्तर के हों, हमारे दोस्तों के हों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। रिलेशनशिप्स के अंदर कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है, यानि किसी को कोई उम्मीद होती है। तो रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक कागज़ लें और इस कागज़ के ऊपर आप अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने वालदैन के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने दोस्तों के लिए कागज़ पर, अलग अलग कागज़ पर लिखें कि मैं आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ, आपसे मैं डेली ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि जब मैं घर में आऊँगा तो आप मुझे सलाम करेंगे, आपसे मैं ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि मैं घर में आऊँगा तो मेरे बच्चे जो हैं मुझे आके एक बोसा देंगे। तो ये वो एक्सपेक्टेशन जब आप लिख लेंगे तो आप अपने दोस्तों को, बॉस को, कोलीग्स को और अपने वालदैन को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लिख के कहें, आप भी लिख के दें। उससे होता ये है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा अलाइंड हो जाती हैं कि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये इन रिटर्न वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपकी जब एक्सपेक्टेशंस आपको पता होती हैं, आपको पता होता है कि इसको ये चीज़ चाहिए तो आप उसको वही चीज़ देंगे, वो ज़्यादा खुश होगा। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन को एक्सपेक्टेशंस के ज़रिए आप लिस्ट बनाकर अगर हल कर लेंगे तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी।